हैदराबाद के सांसद और अल्पसंख्यक वर्ग के चहेते नेता यानी असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त चर्चा में हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपराधी से उनके खास रिश्ते हैं। हैदराबाद में एक बड़ा कांड हुआ, हैदराबाद में एक दर्दनाक केस सामने आया, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों ने अपनी फायदे की रोटियां भी सेकना शुरू कर दी और साथ साथ कुछ इस तरह की बातें सामने आने लगी जिसमें सवाल उठने लगे। एक सबसे बड़ा सवाल ये आया कि ये केस हैदराबाद में हुआ था और हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया इतने बड़े केस को लेकर। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि चार आरोपी में से एक आरोपी उनका रिश्तेदार है और इसी के चलते वो बयान देने से बच रहे हैं, इतने बड़े केस में बचाव कर रहे हैं। ये यूट्यूब पर लगातार वायरल हो रहा था। इसके साथ साथ एक और चीज़ वायरल हो रही थी कि जिस डॉक्टर की हत्या की गई वो गोरक्षक थी, इसीलिए ये साजिश थी। एक तीसरी चीज वायरल हो रही है उसमें ये था कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ जो आरोपी था इनने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। हालांकि ये तीनों ही दावे गलत हैं, ये तीनों ही बातों की कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई जड़ नहीं है, लेकिन जब इससे संबंधित सवाल हैदराबाद के सांसद से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इन सभी चीज़ों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि ये सब फेक है, ये सब लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सांसद ये भी कहा गया कि इन तरह के लोगों पर फेक न्यूज़ पर कार्रवाई की जाएगी।